જામનગર પોલીસે નોકરી આપવાના બહાને કરોડોની ઠગાઈ કરતી ઇન્ટરનેશનલ ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જામનગરના હરીશભાઈ પરમાર નામના શખ્સને મુંબઈમાં ઊંચા પગારની નોકરીની લાલચ આપી જતીન પાલા તથા મોહિત પરમારે માયાજાળ ફેલાવી હતી. પીડિતના ડોક્યુમેન્ટ મેળવી બનાવટી કંપની બનાવી પીડિતના નવા બેંક ખાતાઓના માધ્યમથી ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા. એક જ મહિનામાં 40 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શનથી પીડિતને શંકા જતા પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી. પોલીસે જામનગરના જતીન અને મોહિત નામના શખ્સને ઝડપી લઈ તેમની પાસેથી 30 જેટલા એટીએમ, બનાવટી કંપનીના રબર સ્ટેમ્પ વગેરે કબજે કર્યું હતું. આ લોકોએ 2 મહિનામાં જ 6 કરોડ 95 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા હતા. તપાસમાં મુંબઈ રહેતા નાઇજીરિયન શખ્સનું નામ ખુલ્યું હતું. જામનગર પોલીસે મુંબઈ જઈ સ્થાનિક પોલીસની મદદથી નાઇજીરિયન શખ્સને દબોચી લીધો છે. આ શખ્સને જામનગર લાવવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર પ્રકરણમાં નાઇજીરિયન ગેંગ દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ ઠગાઈના કૌભાંડ પરથી પડદો ઉચકાયો છે. कुछ दिन पहले सीटीसी में एक चीटिंग और फ्रॉड का गुनाह दाखिल हुआ था. इसमें जो मुख्य आरोपी हैं मोहित और जतिन, जिनको सीटीसी की टीम ने अटक कर लिया है, तपास में ये निकला कि इन लोगों ने विभिन्न लोगों और पेड़ी के नाम पे आश्रय 30 अकाउंट खुलवाए और उसके आधार पे हमने जब धरती की तो हमारे को इन अकाउंट के विभिन्न ATMs और चेकबुक्स हमें इनके घर से मिले. इसमें बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि इनके जो हैंडलर हैं, जो मुंबई बेस्ड है, उसमें एक नाइजीरियन है जिसका नाम रैफेल है, जिसको हमने अटक कर लिया, और एक और आरोपी है. उन लोगों के कहने पे इन्होंने अकाउंट खोला था और इसमें इंडिया के विभिन्न कोनों में बहुत सारे विक्टिम्स के साथ जो छेत्रपिंडी होती थी ऑनलाइन, उसका जो पैसा इन अकाउंट्स में जमा कराया जाता था, और ये जो दोनों आरोपी हैं वो पैसा एटीएम से विड्रॉ करके बैंक या आंगड़े मार्फत अपने हैंडलर्स को मुंबई भेजते थे. पिछले 3 महीने में हमारी तपास में जो लिखा प्राथमिक निकला है वो ये है कि आश्रय 7 करोड़ जितना पैसा इन अकाउंट्स में आया और इन्होंने निकाल के ट्रांसफर करके इन्होंने ये पैसा मुंबई भेजा. लगभग इसमें 20 के आसपास भोगवनार होंगे. कोई दिल्ली में बेस्ड हैं, कोई वडोदरा बेस्ड हैं, कोई अहमदाबाद बेस्ड हैं, कोई साउथ इंडिया में अलग अलग सिटीज में बेस्ड हैं. तो इसके आधार पर हमने तपास की. अभी इसमें एक नाइजीरियन अटक हो चुका है और बाकी की आगे की तपास चल रही है. सर, ये नाइजीरियन है वो, ये यहाँ का आरोपी, वो संपर्क में कैसे है? ये एक पहले सूरत में एक ऐसा ही साइबर ऑफेंस दाखिल हुआ है, तो उसी वक्त से ये लोग जुड़े हुए हैं. और बेसिकली इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है चीटिंग का. इसमें आपको अगर ध्यान हो, कुछ महीने पहले सिटी बी में एक गुना दाखिल हुआ था जिसमें भी हमने नाइजीरियन को अटक किया था, उसमें इंडियंस भी अटक हुए थे. इसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक इनका कैचर होता है जो कि विक्टिम को आइडेंटिफाई करता है, उनको मेल करेगा और मेल में या मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में, बहुत ही कोई अट्रैक्टिव सी बिजनेस डील की बात करेगा. जो विक्टिम है वो फिर उसके झांसे में आ जाता है. फिर उसको उस टोलकी के अलग अलग लोग कांटेक्ट करके बोलते हैं कि अच्छी बिजनेस डील है, आप इसमें आओ. फिर वो उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है और फिर आखिरी में वो उसका अलग अलग अकाउंट्स में पेमेंट कराते हैं और बाद में कोई माल मिलता भी नहीं है. तो ऐसा ही एमओ जो है मोडस ऑपरेंडी, वो सिटी बी डिवीजन में गुना दाखिल हुआ उसमें था. लगभग ऐसा ही एमओ इस गुना में भी यूज किया गया है. सर, खास करके जामनगर में ये केस जो है किस प्रकार का केस है और किस तरह से? हाँ, इसमें यही है कि यहाँ जो हमने पकड़ा है वो यहाँ पर ये लोग जो है, ये अगर हम ऊपर से नीचे नेटवर्क देखें तो नीचे के लोग हैं जो कि बेसिकली जो पैसा आता था उसको विड्रॉ करके अपने जो हैंडलर्स हैं और जो मेन आरोपी उनको वो ट्रांसफर करते थे. अभी आरोपी और नाम खुलने के इसमें आसार हैं. एक दो के नाम आइडेंटिफाई हैं, उनको भी हम जल्दी अटक करने की कोशिश करेंगे. इसमें एक जो मैं सूचना देना चाहता हूँ, ऐसे फ्रॉड्स में बहुत सारे लोग भोगबनार बन चुके हैं. इसमें कुछ चीजों के बारे में आप ध्यान रखें तो शायद इसकी चांस कम हो जाता है कि आप इसमें ऐसे विक्टिम बने. पहली बात तो ऐसी होती है कि ये बेसिकली कोई ठीक ठाक बिजनेसमैन को टारगेट करेंगे, इनको पहले से ही उसकी कुछ प्राथमिक माहिती होती है. दूसरी बात यह होती है कि
जिसको भी टारगेट करते हैं उसको एकदम से कोई कॉन्टेक्ट करेगा कोई रेफरेंस के बिना। जनरली अगर कोई बिजनेस में हम व्यवसाय में बात करते हैं और कोई डील करनी होती है तो कोई ना कोई हमें रेफरेंस होता है, कोई जानता है, उसके थ्रू हम कॉन्टेक्ट में आते हैं। ऐसे केसेस में एकदम से आपको कोई मेल आएगा कि ये देखो एक ऐसी डील है कर लेते हैं, बहुत अच्छे टर्म्स होंगे उसमें, तो आदमी लालच में आके उसमें पड़ जाता है। तो इसलिए उस बात की सावधानी रखें कि एकदम से बिना कोई रेफरेंस के, बिना कोई आपके जानकारी के अगर आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है तो उन लोगों से आप थोड़ा सावधान रहें। तीसरी बात होती है इसमें जरूर कोई ना कोई फॉरेन एंगल होता है। फॉरेन एंगल मतलब कि कोई ऐसा बोलेगा कि हम यूरोप की कोई कंपनी है, यूरोप से कोई आदमी बात कर रहा है, हमें माल इंडिया में यहाँ मिलता है, हमें माल चाहिए, आप इसको प्रोक्योर करें, हम आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो तीसरी बात यह है। चौथी बात इसमें ऐसा होता है कि जब आपको कोई माल तो मिलने वाला है नहीं बट वो पेमेंट जरूर करवा लेते हैं। पेमेंट जनरली अलग अलग अकाउंट्स में करवाएंगे, मल्टीपल टाइम्स करवाएंगे और आपको कभी उसकी कोई माल तो मिलने का है ही नहीं, क्योंकि वो सब एक झूठ होता है, अच्छी खासी एक ड्रामेबाजी होती है इसमें। अगर आप आज इंटरनेट का समय है, जो आदमी अपनी जो पेड़ी बता के आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है, जिस नाम से कॉन्टेक्ट कर रहा है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा भी गूगल पे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कोई ऐसी पेड़ी बताएगा जिसके बारे में बोलेगा कि पेड़ी ऐसा ऐसा बिजनेस करती है, अगर आप उसको गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा कि है ही नहीं, वो जिस माल की बात कर रहा है, जैसे इसमें वो कोई बायो बायो रिफाइनरी प्रोडक्ट है उसकी बात करते हैं, आप अगर उसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे तो पता लगेगा कि ऐसा कोई माल ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसलिए आप थोड़े सतर्क रहें, ऐसे जो जो विक्टिम्स को जब कोई कॉन्टेक्ट करता है सतर्क रहें, तो इसमें चांसेस हैं कि आप इसमें विक्टिम नहीं बनेंगे। गुजरात में, वडोदरा में हमें तपास में मिला, एक दिल्ली में एक FIR हुई है, बेंगलोर में है, साउथ इंडिया में, यहाँ विक्टिम नहीं है। यहाँ पर ये लोग सिर्फ कैश जो बैंक अकाउंट में जमा होता था यहाँ के बैंक अकाउंट्स में, वो कैश विड्रॉ करके उसको आंगड़िया मार्फत या बैंक अकाउंट मार्फत ये इनके जो हैंडलर है जो इनको कंट्रोल कर रहे थे उनको मुंबई भेजते हैं। यहाँ विक्टिम नहीं है इस केस में। ऑयल की बात कर